मार्च में इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस बिहार लेवल, बिहार में एक इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस हम लोग करने जा रहे हैं, और ये इन कोलैबोरेशन विद बी ब्रेन सोसाइटी. क्या है सर? बी ब्रेन डेवलपमेंट सोसाइटी. बी ब्रेन डेवलपमेंट सोसाइटी, बी ब्रेन डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसके ये कर्णधार बैठे हुए हैं मिस्टर विभूति विक्रमादित्य, विभूति विक्रमादित्य जी. और ये हम खैर बता दें आपको कि बी ब्रेन पॉपुलरली नॉन एज एज ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट इन बिहार. बिहार में जो साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, नॉट नेसेसरली इज ए टीचर ऑफ साइंस, साइंटिफिक टेम्परामेंट से जुड़े हुए सभी लोग इसके सदस्य हैं. ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये बराबर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कार्यक्रम करते हैं, जिसमें इस बार हम लोगों ने पूर्व में भी पटना यूनिवर्सिटी साथ हुआ है 2008 में, तो ये तीसरी बार हो रहा है ना जी? नहीं, ये पटना विश्वविद्यालय में इसका तीसरा सम्मेलन है ऑल इंडिया लेवल पे इसका, लेकिन आदर्श एट्थ कॉन्फ्रेंस. इसमें कई विदेशों से लोगों को बुलाए गए हैं, आएंगे, और इसका तिथि हम लोगों ने टेंटेटिवली फिक्स मार्च 26, 27 and 28, 26, 27, 28 मार्च को पटना विश्वविद्यालय में होगा. और इसका कोई थीम होगा ना? क्या है थीम बताइए. मूलभूत विज्ञान में अभिरुचि, मूलभूत विज्ञान में अभिरुचि, इंटरेस्ट इन बेसिक साइंस, यही बेसिक साइंस लोग पढ़ इंटरेस्ट इन बेसिक साइंस, बेसिक साइंस को लोग भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, फंडामेंटल भूलते जा रहे हैं, राइट पे ज्यादा जोर दे रहे हैं. यहाँ भी फंडामेंटल साइंस को भूलते जा रहे हैं, अप्लाइड नहीं, टेक्नोलॉजी. अच्छा चीज से लड़कों में, आज मैं कॉलेज में गया था, वहाँ भी लड़कों को कहकर आया हूँ कि मार्च में एक सम्मेलन होगा, तुम लोग सभी आना, खासकर साइंस के बच्चों को मैंने भी कह के आया है, हमने कहा. तो इसलिए ये सम्मेलन होगा. विशेष देखिए, आप जानते हैं कि हम बहुत कार्यों में भी हैं, तो इसलिए डॉक्टर के सिवन है इसके चेयरमैन, इसरो, इसलिए हम लोगों ने अनिल काकोडकर से बात की है, और हरे माशेलकर जी से बात, तीनों में से कोई किसी के एक के आने की संभावना है, जो हाँ कह दे. सर, इसके जरिए बेसिक साइंस के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे आप स्टूडेंट को? ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें इनॉग्रल सेशन के बाद एक पैनल में ये होता है प्लेनरी सेशन. प्लेनरी सेशन में देश विदेश से जितने अच्छे साइंटिस्ट लोग होते हैं वो आते हैं और कॉमन लेक्चर देते हैं उस सब्जेक्ट का, मान लीजिए कि फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, तो कॉमन लेक्चर होता है जिसमें लोग मोटिवेट करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में आप कैसे आगे बढ़ें, आपका कितना किस किस देश में किस किस संस्थान में अच्छा प्रोस्पेक्ट है रिसर्च का, एजुकेशन का. तीसरा जो होता है वो होता है टेक्निकल सेशन. टेक्निकल सेशन में उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, वो पैरेलल सेशन चलता है. तो पैरेलल सेशन लगभग इस कॉन्फ्रेंस में छः पैरेलल सेशन होते हैं. तो आजकल तो फिजिकल साइंस रहता ही है, लेकिन अगर बाय द वे बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है तो कुछ टेक्नोलॉजी का पार्ट भी हम लोग रखा है. इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को हम लोग कहते हैं कि इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसमें इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी भी है. तो आप जो क्वेश्चन पूछा कि हर सब्जेक्ट से का एक पैरेलल सेशन होता है, और पैरेलल सेशन में जितने भी पेपर्स आते हैं, ऑनलाइन पेपर्स आते हैं, वो पेपर लोग ऑनलाइन लिखते हैं, भेजते हैं, उसके लिए एक हमारी एक ग्लोबल साइंटिफिक काउंसिल है, 60 मेंबर्स की ग्लोबल साइंटिफिक काउंसिल है, जिसमें दो आदमी बिहार से होते हैं हर सब्जेक्ट में, दो आदमी अदर स्टेट ऑफ इंडिया से होते हैं, और हर दो आदमी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से होते हैं. सो 6 मेंबर इन ईच सब्जेक्ट काउंसिल है, 10 सब्जेक्ट है हमारे उन्होंने लिस्ट किया हुआ है, तो 60 मेंबर की काउंसिल है. वही 60 मेंबर की काउंसिल सारे पेपर्स को देखती है, उसको देखती है कि कौन से पेपर इस लायक है कि पढ़ा जाए. तो मान लीजिए कि फिजिक्स में 20 लोगों को का पेपर पढ़ने लायक हुआ, तो
ऐसे अगर 10 पेपर 600 पेपर आए और 40% 50% सिलेक्ट हुए, 300 सिलेक्ट हुए मान लीजिए, तो ये 300 में से हम लोगों को 5 लोगों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड देना है। टॉप 5 पेपर्स विल बी गिवन यंग साइंटिस्ट अवार्ड। उसके बाद जब उस यंग साइंटिस्ट अवार्ड के बाद हर सब्जेक्ट में एक बेस्ट पेपर अवार्ड देते हैं, हर सब्जेक्ट में। और हर सब्जेक्ट में बेस्ट पेपर अवार्ड में पोस्टर भी होता है और थिएटिकल भी, ओरल भी होता है। तो यू कैन से दैट 5-5 नहीं 10, मतलब 5 ओरल हो गए, 5 पोस्टर्स हो गए। तो ऐसे अगर 10 पेपर 10 है तो 20 अवार्ड हो गए आपको बेस्ट पेपर्स एंड पोस्टर्स के। और ये कैश अवार्ड, कैश अवार्ड है। और उसके बाद कुछ बड़े अवार्ड हैं, जैसे एक अवार्ड है आर्यभट्ट सम्मान फॉर साइंटिफिक एक्सेलेंस। ये हर साल नहीं दिया जाता है, जो जब कभी देश में कोई बड़ा काम होता है तो उस साल दिया जाता है। जैसे पहला अवार्ड दिया गया था जब मगध महिला कॉलेज में हुआ था, तो वो भी मंगलयान मिशन के डायरेक्टर को गया था। और इस बार अभी तक हम उन्होंने डिसाइड नहीं किया, हमारी कमेटी बनेगी जो डिसाइड करेगी कि इस बार किसको दिया जाए। और ये एक अवार्ड है। दूसरा अवार्ड है जो हम लोगों ने सोचा है इस बार के लिए प्रपोज कर रहे हैं, किया हम लोगों ने, कि दो इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कलाम भी आए हैं, डॉक्टर पचौरी भी आए हैं, और इसके बाद में बात करूंगा, और इशपाल भी आए हैं। तो क्यों ना ऐसे लोगों के नाम पर कुछ अवार्ड की घोषणा की जाए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि डॉक्टर कलाम के नाम पर डॉक्टर कलाम अवार्ड फॉर साइंटिफिक इनोवेशन एक अवार्ड वो रहेगा, और दूसरा रहेगा प्रोफेसर इशपाल के नाम पर प्रोफेसर इशपाल अवार्ड फॉर साइंस पॉपुलराइजेशन, बिकॉज साइंस प्रोफेसर इशपाल ने साइंस पॉपुलराइजेशन पे पूरी तरह से बहुत काम किया। तो ये इतने अवार्ड्स इसमें रहेंगे। नॉर्मली जब ये पहला साइंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं यही का स्टूडेंट था, ये पटना विश्वविद्यालय के ही छात्र रह चुके हैं, विभूति जी भी फिजिक्स के, बिहार के जितने एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, या एंटरप्रेनर्स हैं, या बड़ी कंपनी के लोग हैं, सभी इस पे हैं, सभी लोग ऑनलाइन हेल्प करते हैं। और शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20 करीब 15 कंट्रियों में हमारा वो चैप्टर हो गया। सभी जगह लोग बिहार के बारे में सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये बिहार साइंस कॉन्फ्रेंस उन्हीं लोगों के का एक आइडिया है, सब लोगों को मिलकर एक आइडिया है कि बिहार में कोई कॉन्फ्रेंस करें जो हर साल आयोजित हो, वो इंडियन साइंस कांग्रेस के तर्ज पर हो। हर साल हम लोग डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वो वहाँ की वो यूनिवर्सिटी होस्टिंग यूनिवर्सिटी होती है। तो पहली बार जो हुई थी वो, चूँकि मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और ठाकुर सर हमारे गुरु थे और गुहा सर भी हमारे गुरु थे, तो दोनों गुहा सर प्रिंसिपल साहब थे और ठाकुर सर उस समय उससे पहले वीसी थे यहाँ पे। तो पहला, चूँकि मैं यहाँ का स्टूडेंट था इसलिए मैंने इसकी शुरुआत पटना साइंस ही हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ। और नीतीश जी इनॉग्रेट करने आए। सेकेंड जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें प्रोफेसर एसी हसनैन थे, एसी हसनैन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साइंटिफिक एडवाइजर थे उस समय, आज भी वो जामिया हमदर्द के वीसी, उस समय वो हैदराबाद में थे, उस समय हैदराबाद के वीसी थे, तो वो आए थे नोबेल चुनौत देने। दूसरा कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हुआ था, उसमें डॉक्टर यूएन सिंह आए थे, यूएन सिंह नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट थे अपने रिसर्च सेंटर के। तीसरा कॉन्फ्रेंस हुआ वो गया में हुआ, गया में डॉक्टर कलाम आए थे, और ये तो प्रचलित है, हर जगह लोग जानते हैं। और डॉक्टर कलाम ने वहीं पे वो पानी का वो दिया था कि बिहार में कैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ हुआ था एलएस पर मुजफ्फरपुर में, जहाँ पे पचौरी जी का वीडियो लेक्चर हुआ था, वो आ नहीं पाए थे, उनका कहीं वो यूएई में उनको क्रिकेट खेलते हुए चोट लग गई थी। फिफ्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था आपको अरविंद मेला कॉलेज में, उसमें प्रोफेसर पाल आए थे। और उसके बाद सिक्स्थ हुआ मगध मेला कॉलेज में, जिसमें एनसीएल के डायरेक्टर आए थे सौरभ पाल, और वो हम लोगों ने स्पेशली उनको इन्वाइट किया था, मंगलयान मिशन के डायरेक्टर को, जिन्हें वो अवार्ड दिया गया क्योंकि वो लीड कर रहे थे उस टीम को, मंगलयान की टीम। उसके बाद सेवेंथ हुआ फिर से कॉलेज ऑफ कॉमर्स में,
कॉलेज का लास्ट ईयर हुआ था और विजय भटकर जी नोबेल किनोट दिया था उन्होंने जो सुपर कंप्यूटर के ज्ञाता है और तथा एम एस स्वामीनाथन ने भी अपना रिसर्चर दिया था और रविशंकर जी ने इनोग्रेट किया था। इस तरह इस कॉन्फ्रेंस को कमोबेश मुख्यमंत्री का सहयोग प्राप्त रहा है ना, दो बार उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है, हम लोग चाहेंगे कि इस बार जो इनोग्रेट करेंगे। और इनॉग्रल की नोट सेशन के साथ साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि बिहार का सीएम हो या सेंट्रल सेंट्रल से कोई साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हो, किसी उसी में से किसी एक को ले लाते हैं। ये हर साल की परंपरा रही है, इस परंपरा से हटते नहीं और किसी को नहीं लाते। अगर नहीं आते हैं तो जो साइंटिस्ट आते हैं नोबेल की नोट देने वही इनोग्रेट कर देते हैं, क्योंकि जब फिफ्थ बिहार साइंस कॉन्फ्रेंस में जब सीएम नहीं आ पाए तो प्रोफेसर पाल नहीं इनोग्रेट करते लाइक दिस। यहाँ पे ऐसे होगा, हम लोग कोशिश करेंगे सर से पेपर तक सर एक्सेप्ट कीजिएगा। हाँ, पेपर हम लोग अभी तक एक्सेप्ट करें। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से आए हैं, MIT से आए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से आए हैं और रायसन यूनिवर्सिटी कनाडा से आए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेबला मैक्सिको से आए हैं। बिलिंदर जी हाँ ये नहीं यूआर कन्वेनर भाई तो क्यों नहीं वहाँ बैठे हुए ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से आए हैं, मालूम नहीं था आप मैक्स प्लैंक से आए हैं, थमासार्ड से आए हैं, JNU IIT डिफरेंट IIT से आए हैं। इस तरह मतलब जो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं सब जगह से लोग आ चुके हैं यहाँ, है ना। हम लोग कोशिश का हर साल कोशिश करते हैं कि एक नोबेल लॉरेट आए, लेकिन अभी तक एक ही आ पाए हुए, पचौरे जी आए, वो भी कंबाइंड था, उनको नहीं मिला था, उनकी संस्था को मिला था। तो कोशिश कर रहे हैं, आते हैं कोई नोबेल लॉरेट को भी हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर संतोष कुमार डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर परिमल खान, हमारे पटना यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं एंड ही इज आल्सो द डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। ट्रेजरर हैं इसके डॉक्टर संजय कुमार डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पटना साइंस कॉलेज पटना। हमारे जॉइंट सेक्रेटरीज हैं डॉक्टर DK पॉल डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी पटना यूनिवर्सिटी, डॉक्टर MK सिंह डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पटना यूनिवर्सिटी, डॉक्टर GB चांद डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी पटना यूनिवर्सिटी, राकेश कुमार सिंह आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अपराजिता कृष्णा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स पटना वुमेन्स कॉलेज, डॉक्टर अशोक कुमार झा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स पटना यूनिवर्सिटी। अशोक कुमार झा इस साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने के लिए हम लोग डॉक्टर जॉन को भी बैठा के रखते हैं, ये भाग रहे थे।